फ्रेंड आप लोग के साथ फिर से आ चुकी है व्लॉगिंग गर्ल। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो बनाने जाने बल्कि पुरानी वीडियो फिर से बनाने जा रहे हैं, वो है रील्स रिव्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बैड वाइफ बैड वाइफ इफ्तिखार अहमद के घर जाना है। ये जो उन्होंने मैच में किया है ना हमारे साथ, कसम से ऐसे जाना पड़ेगा और इनके साथ डंडे लेके जाना चाहिए था, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और भाई रफ्तार भाई आपके घर पे जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। देखो हंस रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, अगर उन्होंने आवाज लगाई थी और ये लोग नींद में थे और ये लोग सो रहे थे, फिर कैसे इसको पता? ये तो सो रहा था ना, इसने खुद बताया, इसे कैसे पता कि उन्होंने आवाज लगाई है? पकड़ लिया साड़ो, कुछ भी है, ये फेक वीडियोस है, ये ना आई मेरी, ये इनको आगे आपने प्रमोट नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो क्या कहूँ मैं इनको, मतलब कि हराम ही है। ऐसा के बाद हम लोगों ने क्रिकेट नहीं देनी और बाइकआउट कर दिया। आज मैंने बाइकआउट किया तो मेरे सारे फैंस जो है ना वो सारे बाइकआउट करें, ठीक है? मुझसे इंस्पायर हुए बाइकआउट करें क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी है जिनके फैंस होते हैं ना वो अगर कहना दो उनके तो वो फिर बाइकआउट करते हैं और फिर नहीं देखते होते कोई भी चीज ना, खाते होते पीते होते हैं। इस्राइली ब्रांड के साथ क्रिकेट को बिना के बाइकआउट करते, बल्कि मैं तो कहती हूँ इनको वर्ल्ड कप में आने ना दो भाई, बस खत्म करो। ना होगा मतलब कि बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मैच होगा हमारा, ना हम देखेंगे, ना हारेंगे ना जीतेंगे। इनको अभी वर्ल्ड कप में भी ले आने दो, फिर भी हार जाना है, फिर क्या फायदा? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कितनी सुकून से पूछ रहे हैं कि भाई दज्जाल जेंडर में हिजड़ा होगा, उसका कॉन्फिडेंस चेक करो। जेंडर में हिजड़ा होगा, उस बेचारे की शक्ल चेक करो। राम जी तो देखते ही देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं दज्जाल जेंडर में हिजड़ा होगा। और ये जो उन्होंने बीटीएस की और ये जो उन्होंने बीटीएस की पिक्चर ये लगाई हुई है ना, किसी ने सिर्फ टारगेट करके लगाई है, ठीक है? अभी जो बीटीएस के फैन मेरी वीडियो देखेंगे वो मुझे ब्लॉक करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो वीडियो है ना ये मैंने नहीं बनाई है, जो इसे बनाई है ना जिसने, इसको जाके ब्लॉक मारो, मेरी को गलती नहीं है, रिपोर्ट भी मार दो बेशक मेरी तरफ से। ना मैं बीटीएस की फैन हूँ ना इसकी। बहुत तेज हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, लेकिन ये आमिर क्यों बचा रहे बाबर को? आखिरी ओवर जो उन्होंने दिया था अमेरिका के साथ, तो ये तो आमिर ने बॉल कराई थी ना और वाइट है माशाल्लाह से फेंकी थी, तो फिर ये यहाँ पे आमिर को बैठना चाहिए, यहाँ पे बाबर को होना चाहिए था। वैसे सब सब माशाल्लाह से चलें आप नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो गर्ल्स वन डे बिफोर ईद मास्टर साहब यही करना पड़ता है ईद वाले दिन, इतने ज्यादा इन्होंने कुछ जोड़े लेके रखे होते हैं, फिर ये कहते हैं पहले दिन की नखरे देते हैं कि हाँ नहीं हमने जो जोड़ा लेने नहीं है, और जब ले लेते हैं तो फिर देने का नाम ही नहीं देते, ये बनाना है उसको बनाना है उसको बनाना है। और ये हमेशा ये क्यों होता है कि हमारे सबसे एंड पे बनते हैं, जिसका मर्जी देख लो हमेशा एंड पे बनते हैं। तो मुझे चलता है, मुझे लगता है कि इस ईद पे मुझे ना ये वाला हथियार यूज करना पड़ेगा, ये जो है पाना जो भी है इसे पेच कसते होते हैं आई नो, तो इसको लेके जाना चाहिए और इसको अपने नाई के पास, ठीक है? क्या अपने नाई के पास चल चल। एवरीवन नीड दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। यस सर, जैनब के पापा ने चर्च पी ली। जैनब के पापा स्पाइडरमैन मुसलमान। जैनब के पापा चर्च पी ली है, वही बात इसने फिर से कर दी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। जब मेरे दोस्त पहली दफा KFC चला जाए। बर्गर तो पहले ही मैं आना रहने पड़ा, मैं मजे आना वाला। लेकिन इन्हें नहीं करी आइसक्रीम, मैंने ये बड़ी टाइट ही। आइसक्रीम, वो टाइट।
हाँ बायकॉट केएफसी, ये पुरानी वीडियो है ठीक है। तो मैं भी ये कहूँगी कि बायकॉट करें केएफसी से, और कोई भी इस्राइली ब्रांड है उनको बायकॉट करें, और जो इसको फलस्तीन के लिए, फ्री फलस्तीन के लिए हर जगह आप रैली निकालें, जो कर सकते हैं वो करें। अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो आप कर सकते हो ना, वो करें आप। एंड भूल मत जाएं, बीच में भूल भी जाते थे लोग, कुछ फिर इनका ट्रेंड ही होता है, जैसे खत्म होता था भैया भूल जाते थे, नहीं भूले मत। एंड सपोर्ट फलस्तीन, बायकॉट इज़राइली ब्रांड्स। बस ये थी हमारी वीडियो, और आप लोगों ने मैच तो फिर देखा ही होगा माशाल्लाह से, हमें वर्ल्ड कप से यूं करके किकआउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और मैं तो बहुत दुखी हूँ, कुछ बता नहीं सकती, बहुत डिस्प्रेशन है मुझे मैच का। यार इन्होंने बहुत खेला, देख कह सकते हैं कि अच्छा खेला है, क्योंकि देखो अब बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मैं क्या कहूँ, ये ऐसे बातें हम लोग ना मैच की कर करके ना अपने आप को इज्जत देते हैं, इसलिए जो हो गया सो हो गया। अभी सारे वो पता नहीं कौन से मैच जीते, इंडिया सारे जीते, वो यूं हो यूं हो यूं हो यूं हो यूं हो यूं हो कहे, फिर हम लोग आ सकते हैं ठीक है। और फिर भी जब हम लोग वापस आना है ना, कहीं से भी चांसेस कोई भी बन गया और हम लोग वापस आ गए, तो फिर भी हम लोग ने हार जाना है। इससे अच्छा है कि हम लोग बाहर ही रहे, हम वापस ना आए ठीक है। अभी कोई हारे जीते वो जो मैच इन्होंने सीक्वेंस बनाया है उसके बाद हम आ सकते हैं, तो वो मतलब कहते हैं ना यो एक नई उम्मीद जाग जाती है, जैसे हम बताते कितना फिर इंडियन मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने लग पड़ता है, लेकिन हमें पता था, पता ढीर हम भी बोल रहे हैं, मतलब पता था मुझे कि हारेंगे, फिर मैंने देखा है मैच मैंने, तो फिर अगर पाकिस्तान से आगे तो फिर हम देखेंगे, और फिर अगर हम हार जाएंगे तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि अब ना ही आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपना ध्यान रखें, एंड बायकॉट इज़राइली ब्रांड्स। थैंक यू।